उपमंडल बोरेंज के बस्सी बरेड़ी सड़क पर नगरोटा गाजिया के पास सड़क के किनारे लगा डंगा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। डंगा गिरने से सड़क पर गुजरने वाले वाहनों के लिए भी खतरा बना हुआ है। अगर बारिश जारी रही तो पूरी की पूरी सड़क भी गिर सकती है। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि इस डंगे का शीघ्र निर्माण किया जाए, वो पानी की निकासी के लिए उचित नालियां बनाई जाए। उपमंडल बोरेंज के बस्सी बरेड़ी सड़क पर नगरोटा गाजिया के पास सड़क के किनारे लगा डंगा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। यह हादसा करीब रात के 9 बजे के आसपास हुआ। डंगा गिरने से सड़क पर गुजरने वाले वाहनों के लिए भी खतरा बना हुआ है। अगर बारिश जारी रही तो पूरी की पूरी सड़क भी गिर सकती है। ये डंगा 1984 में बनाया गया था, लेकिन PWD विभाग ने यहाँ पर पानी की निकासी के लिए नालियां नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से सड़क का सारा पानी इस डंगे में रिसता गया और परिणाम यह निकला कि डंगा गिर गया। डंगा गिरने से सड़क के नीचे बना हुआ जोंडी माता का मंदिर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये मंदिर राजकुमार ने अपने पिता स्वर्गीय जगदीश चंद शर्मा की यादगार में अपनी कुल देवी जोंडी देवी के नाम पर बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण 2008 में किया गया था। लगभग 5 से 6 साल की लागत से बना यह मंदिर डंगे की चपेट में आने से पूरी तरह नष्ट हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि पानी की निकासी के लिए नालियां ना होने के कारण और पानी इस डंगे में रिसने के कारण ये डंगा गिर गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग से मांग की है कि इस डंगे का शीघ्र निर्माण किया जाए, वो पानी की निकासी के लिए उचित नालियां बनाई जाएं। डंगे के दूसरी तरफ पहले नालियां बनी थी, लेकिन अब ये नालियां बंद पड़ी हैं और पानी डंगे में ही रिसता जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता स्वारू राम ने बताया कि सड़क को बचाने के लिए खाली ड्रम लगाकर टेम्परेरी डंगा लगाया जा रहा है। बड़े वाहन भी सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं और बाद में पक्का डंगा लगवाया जाएगा। 9:30 बजे हादसा हुआ, जिससे सारा डंगा जो है वो गिर गया। ये 84 का डंगा बना हुआ था और यहाँ पर पानी का कोई निकास नहीं था, जिससे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूल जो है प्रशासन की यहाँ पर हुई है। और ये सारा जो डंगा है रात को 9:30 बजे घर पर आकर गिर गया है, जिससे सड़क के पूरे धंसने का खतरा है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ी हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। चौड़ी माता भी नीचे मंदिर, चौड़ी माता का मंदिर भी नीचे इससे ध्वस्त हो गया और इससे गाड़ियों को बहुत बड़ा खतरा है। प्रशासन जल्दी से जल्दी इसके बारे में उचित कार्रवाई करने की। बिल्कुल 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 सही बात है, यहाँ पर पानी की नालियाँ बिल्कुल नहीं थी, जिससे रिसाव पानी का रिसाव होता रहा और ये डंगा जो है वो सारा खतरा था, यहाँ भर भरा कर गिर गया। तो इस हादसे के लिए प्रशासन में PWD विभाग भी जिम्मेदार है, जिसने यहाँ समय रहते हुए नालियों का उचित व्यवस्था नहीं की। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर नालियों की उचित व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ पर खतरा था, प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली, इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेवार है। पानी ये सारा उल्ली साइड करते ना, नालियाँ कोई नहीं कट दिया है, नालियाँ सारी बंद रख रही ना। PWD वाले आए, हैंडपंप आए, खोड़े नालियों, बस ऊपर सारी टोटल बंद। तो मेन कारण इसका यही रहा कि ऊपर से पानी आता और उस डंगे में रिसाव, उसका पानी सारे गांव का पानी वहां से थी गांव डंगे च, पानी दूसरी साइड को थोड़ा बंद कर दिया। PWD से वजह से मंदिर गिर गया, इसका 4 लाख रुपए का नुकसान है। बस जो पुली थी वो भी बंद हो गई, जो पुली की पानी की पुली थी वो भी बंद कर दी गई है। अच्छा, पानी उसी साइड को था बंद कर दिया गया है और पानी जो पूरा डंगे में गया, इसके कारण जो डंगा गिर गया, डंगा गिरने से मंदिर का 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये हादसा कब हुआ सर? क्या कोई तब यहाँ कोई व्यक्ति या वाहन तो नहीं था यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं था। रात को 9:24 बजे